ट्रिक्स मेथड होता है, उसके अंतर्गत उनके हर पॉइंट पर टिक मारना पहली चीज। दूसरी बात, अब मैं इनकी कॉपी को लेता हूँ, इनको मैंने देखा कि इनको कुछ नहीं आता, तो इनके कॉलम के आगे क्या करूँगा, क्रॉस करूंगा? नहीं, मैं ना क्रॉस करूंगा ना टिक करूंगा, मैं इनके कॉलम को पूरा ब्लैंक करूंगा। फायदा क्या होगा, अब मुझे ये जानने की जरूरत है अगर मेरे पास ये चार्ट हो कि फला टीचर को क्या, मतलब फला बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। सपोज करिए इनको मैंने चेक किया, इनकी लिखावट में लाइन ऊपर नीचे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लेखनी में प्रॉब्लम आ गई, तो मैं उस चीज़ को क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। मुझे काम कहाँ करना है, उस पर करना है, ना कि मुझे इनको अच्छा ज्ञान बताना है, ना कि मुझे इनको मात्रा का ज्ञान कराना है, ये तो इनको आ ही रहा है। निष्ठा में इन बातों पर जोर दिया गया कि जो सिम्टम है, जितनी प्रॉब्लम है, आप उस पर ही काम करिए। उसके दो फायदे होते हैं, पहला चीज, आप जब उस समस्या पर बात करते हैं तो इनका कंसंट्रेशन बनेगा, इनको समझ में आएगा कि मुझे ये फायदा होगा, मुझे ये समस्या थी, मुझे ये फायदा हुआ, इनको लगेगा कि इन्होंने कुछ बताया। दूसरी चीज, मुझे क्या फायदा हुआ, टीचर को ये फायदा होता है कि मैंने जो काम किया बच्चे ने उसमें सुधार किया कि नहीं, वो मुझे भी पता चलता है। दो तरह का ये स्व आकलन होता है, दो तरह का ये स्व आकलन होता है। आज मैंने इनको बताया, इनको कुछ नहीं आ रहा था तो मैंने ब्लैंक किया, कल मैंने इनको बताया, अच्छा ज्ञान कराया, तो अगर इनको अच्छा इन्होंने सही बना दिया तो मेरा अचीवमेंट क्या था। मेरा अचीवमेंट ये है सर कि आप जैसे ही मान लीजिए विजय है क्लास में, अब मैंने विजय को कल लिखा था, कल के डेट पे जो सीट है उसमें मैंने इनको देखा कुछ नहीं आ रहा है, आज मैंने अच्छा ज्ञान पे टिक कर दिया। जैसे मैंने टिक किया तो होगा क्या, उसके दो फायदे, इनको ये पता चल गया कि मुझे अच्छा ज्ञान आ गया। ठीक, अब इनके चैलेंजेस कितने रहेंगे बेटा, आपको सिर्फ 8 पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट पे आपको काम करना है, मतलब 8 चीज पर काम करना है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन बनता है। आप वैसे मुझसे बोलते जाओ नहीं समझे, लेकिन जब पूरे स्कूल के सारे बच्चों को, क्लास के सारे बच्चों को टिक मार के देखेंगे तो देखेंगे मान लीजिए बगल में ये सीख रहे हैं, इनको भी कुछ नहीं आ रहा, इनको देखा चाहे इनके दोनों में चाहे बच्चों होता नहीं, मैं उनसे कम नहीं, तो कहीं ना कहीं ये होगा कि उनके नाम क्या है, मैंने लेकिन टिक किया कि अपने को रिजल्ट करके यार मैं तो कोई पीछे हूँ, काश मैं मेहनत करूँ कि ये टिक दे रही हो, ये मोटिवेट हो रहे हैं। दूसरी चीज, जब मैं इस तरह की एक्टिविटी करूँ मुझे बोलने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं उनको ये फायदा हो रहा है कि मेरे अंदर क्या सुधार, बच्चा स्वागत कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि इन तीनों लोगों की कॉपी को मैं डिस्कस करूंगा, अगर मेरे क्राइटेरिया इतना नीचे होते तो ये मुझसे पूछेंगे सर मुझे मेरे को क्यों नहीं, बेटा आप अपनी कॉपी को इस क्राइटेरिया मेरे स्टैंडर्ड से मैच करो,